आपका नाम बोलोगे ना आप? राम बच्चन पांडे। आप? जय प्रसाद प्रधान। तो सर आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग बड़ा बाजार माधवन। माधवन। तो सर क्या घटना आपके साथ हुआ उसके बारे में बताएंगे? देखिए हम लोग गाड़ी 20 साल से सर रख रहे हैं। हाँ हाँ, वहाँ कभी कुछ नहीं हुआ। उस रोज जो चड़क फड़क पाया उस रोज गाड़ी मेरा। ये कितना तारीख को चोरी हुआ था? 4 तारीख को रात। आई 4 तारीख को। 4 तारीख को कौन सा महीना था? अच्छा आपका गाड़ी 4 तारीख को चोरी हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग एक केस किए, संगे संगे गाड़ी के नंबर लिए। आपका गाड़ी का नंबर क्या था? OR 15P9968। एक बार और फिर रिपीट करोगे? OR 15P9968। ये कौन सा गाड़ी था आपका? महिंद्रा अल्फा। ऑटो था? हाँ सर। सवारी गाड़ी। तो कितना बजे चोरी हुआ? टाइम 11 बजे करीब, जिस टाइम चड़क मारा 12:07 हो रहा था। दिन में कि रात में? रात में। रात को 11 बजे। तो आपको कैसा मन पड़ा आपका गाड़ी चोरी हो गया? मैं तो घर के सामने रहता है गाड़ी, डूब के जब थोड़ा कम हुआ तो देखता हूँ तो गाड़ी नहीं था। संगे संगे आया, थाना में एफआईआर दिया, गाड़ी नंबर दिया, मोबाइल नंबर दिया कि बोले लो कि दे दो। फिर हमसे खोजने निकले चारों तरफ, बाइक ले लेकर भेजते हुए। तो अभी प्रशासन से आपको क्या, अभी पुलिस वाले क्या कुछ कर रहे, कुछ पकड़े किस क्या? कुछ नहीं सर, दो टोके लेके भी गए तो बोलते हैं सूत्र पिलाया, छोड़ दिए। और सर वर्तमान अभी जैसा इनका गाड़ी नहीं मिला। अच्छा, तो सबसे पहले बताएं सर आप लोग क्या डिमांड करना चाहते हैं सर? हम लोग डिमांड करते हैं उन लोगों को पकड़े और पूछे। तो कहा आपको कौन एरिया में डाउट है ज़्यादा? ज़्यादा वो घसिया पड़ा है और हल्दी पड़ा और दलदली पड़ा है, दो चार पड़ा। हाँ, यहाँ अधिक लोग रहते हैं। हाँ, तो आप भी चाहते हैं ये चार पाड़ में पुलिस जाके इंक्वायरी करे और चोर को पकड़े। तो बीच में एक दो को पकड़े थे उसके बारे क्या हुआ आपको? वो तो बोला छोड़ दिया उन लोग को, बोला इन लोग भल पिला अचान छाड़ी दिली। अच्छा पिला। तो आप चाहते हैं जल्द जल्द पकड़ा जाए? जल्दी जल्दी पकड़ा जाए बोल। तो आप थाना में कितना बार जा चुके हैं? हम लोग 20 बार जा चुके हैं। 20 बार जा चुके हैं, अभी तो कोई सुनवाई नहीं? ठीक, बोलता है खोजू खाली बोलता, खाली खोजो। अभी हम लोग इन लोगों की बातें सुनी, ये चाहते हैं कि चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको हमें जो गाड़ी भी दिखो पकड़े, क्योंकि गरीब आदमी है, वो गाड़ी इनकी जीविका थी, गाड़ी से पलते फलते थे। और यदि प्रशासन की तरफ से इस तरह गाड़ियाँ चोरी होती है और प्रशासन जैसे ढीला रहेगा तो ये बेचारे जाएँ तो जाएँ किसके पास जाएंगे? आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट। हम भी पुलिस को रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनकी गाड़ी खोजे, कम से कम 2-4 चोर को पकड़े, तब तो इनको गाड़ी मिल सकेंगे। और इनको भी आशा लगा रखे हैं पुलिस के ऊपर में, एक ही है इनका भरोसा पुलिस पर, पुलिस जरूर इनको हेल्प करेगी। हम लोग भी सोचते हैं आपकी आवाज़।